अमिता क्यों इतने टेंशन में, क्या सोच रही है? अरे अभी ये सब जिम से आएंगे, कृष्ण टेनिस से आएगा, कुछ तो भी एनर्जी बार देना पड़ेगा। और फिर से होम में, ये बाहर का तो खाते नहीं है, अभी क्या बनाऊं? अच्छा फ्रिज में देखे ना, फ्रिज में क्या चीजें पड़ी हुई है, उसमें से कुछ बना लेते हैं। क्या टाइम लगेगा? आइडिया ठीक है, मैं देख लेती हूं। घर में क्या क्या चीजें है? घर में गाजर है, खजूर है, वॉलनट्स है, बादाम है, थोड़े बहुत ओट्स है मेरे पास। बस फ्रीज में वो ऑरेंज जेस्ट भी है ना? हाँ, ऑरेंज जेस्ट भी है, फ्रेश है। इतनी सारी चीजें है, चल कुछ ना कुछ बना लेंगे एनर्जी। ओके चलिए। खजूर में से सभी सीड्स निकाल के उसे साइड में रख लेंगे। आप सीडलेस खजूर भी ले सकते हैं। यहाँ पर मेजरमेंट्स बहुत ही ज्यादा इजी है। एक स्टैंडर्ड कटोरी का मेजरमेंट हम फॉलो करेंगे। यहाँ पर ये दो छोटी कटोरी हमने गाजर ली है ग्रेटेड। 3/4 कप लेंगे हम हाफ क्रश बादाम। एक छोटी कटोरी हम लेंगे ओट्स, यहाँ पर आप रोल ओट्स भी ले सकते हैं। एक छोटी कटोरी सीडलेस खजूर, एक कटोरी वॉलनट्स और 1/4 टीस्पून सिनेमन पाउडर। यहाँ पर गाजर के साथ बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स हम फूड प्रोसेसर में एक के बाद एक मिला लेंगे और पल्स मोड पर उसे तब तक हम श्रेड करेंगे जब तक वो टाइनी पीसेस में कन्वर्ट नहीं हो जाए। फिर मिक्सिंग बोल में हम उसे फोल्ड कर देंगे और वहाँ पर 1 स्पून फुल ऑफ ऑरेंज जेस्ट हम ऐड करेंगे। सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अब बेकिंग ट्रे में बेकिंग शीट एक लगा देंगे और उस पर स्प्रिंकल करेंगे थोड़े से मिक्स नट्स, आपकी चॉइस के नट्स आप डाल सकते हैं। फिर जो हमारा मिक्सचर है उसे हम ट्रांसफर करेंगे बेकिंग शीट पर और अच्छे से इवनली स्प्रेड कर देंगे। एक हेजल फ्री स्प्रेड करने के लिए यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ एक और बेकिंग शीट जो ऊपर लगाकर उसे अच्छे से हम लेयर कर देते हैं। अब ये बेकिंग शीट रिमूव कर देते हैं। लास्टली वापस से हम एक बार स्प्रिंकल कर देते हैं मिक्स नट्स और जेंटली उसे हम प्रेस कर देते हैं सो दैट ये जब बेक होकर बाहर निकले तो उसके ऊपर अच्छे से स्टिक रहे। और इसे प्री हीटेड ओवन में बेक करने के लिए रख देते हैं अंटिल क्रिस्प 15-20 मिनट्स एट 200-250 डिग्री टेम्परेचर। अब इसे अच्छे से हम कूल डाउन कर देते हैं और अब हम इसे कट करेंगे जो आपके डिजायर्ड साइज है या मेजरमेंट है उस हिसाब से और फिर इसे पैकिंग कर देंगे। तो ये हेल्दी कैरेट एनर्जी बार बहुत ही ज्यादा हेल्दी और डिलीशियस स्नैक ऑप्शन है आपके पोस्ट वर्कआउट या टिफिन बॉक्स के लिए। सिर्फ चाहिए एक फूड प्रोसेसर, मिक्सिंग बोल एंड अ बेकिंग शीट। एनर्जी बार्स में हमने कैरेट यूज किए हैं इसलिए इसकी शेल्फ लाइफ थोड़ी कम हो जाएगी। तो अगर आपको 2-3 दिन के लिए यूज करना है तो आप इसको स्ट्रिक्टली फ्रिज में स्टोर करिए।